इवनिंग बच्चों, क्लास 12th के दो टॉपिक्स लेकर हम लोग फिर से हाजिर हैं बेटा अपनी प्रैक्टिस शीट नंबर 6 में फॉर नीट 2021 के लिए। तो शुरू करेंगे सबसे पहले डी ब्लॉक एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट के कुछ क्वेश्चंस के साथ। तो शुरुआत करने जा रहे हैं पहले 20 क्वेश्चंस डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। कहते हैं द करेक्ट ऑर्डर ऑफ आयोनिक रेडियाइज ऑफ सीरियम, लेंथेनम, प्रोमीथियम एंड वाई बी इन +3 ऑक्सीडेशन स्टेट इज। देखिए बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट होता है बेटा, यदि हम रेडियस की बात करें तो ट्राइवेलेंट कैंटाइन में लेंथेनम से लेकर और ल्यूटेशियम तक एटॉमिक रेडियस क्या होती है, डिक्रीज होती है ग्रेजुअली धीरे धीरे। इसका मतलब ये हुआ हमें एलिमेंट्स की सीरीज याद होनी चाहिए बेटा। यदि हम एलिमेंट की बात करें तो कौन कौन से एलिमेंट्स हैं जरा याद करके बताइए। तो एलिमेंट बेटा जो हमारे पास होते हैं वो होते हैं ऐसे करके, लेंथेनम ये रहा, इसके बाद से आपकी सीरीज शुरू होती थी कैसे याद करिए जरा, सिप्रानाइडू, पैंट संभालो, इसमें गुड़िया टाइप दिखती हो, अरे तुम ये भी लो। लीजिए ये हैं आपके एलिमेंट्स। तो इनमें सबसे बड़ा साइज किसका होगा बेटा, लेंथेनम +3 का। तो सबसे बड़ा लेंथेनम +3 यानी ये हो नहीं सकता, ये हो नहीं सकता, ये हो सकता है, ये हो सकता है। लेंथेनम के बाद सीरियम का, तो सीरियम का किसमें है, इसमें। तो आंसर हो गया 4th, क्योंकि लेंथेनम के बाद सीरियम होना चाहिए था, इसीलिए ये आंसर हो गया आपका गलत। आसान सा था, लेंथेनम से ल्यूटेशियम तक एटॉमिक रेडियस घटती है, चाहे आप एलिमेंट्स में लें चाहे ट्राइवेलेंट कैटायंस में, धीरे धीरे स्लोली स्लोली। तो ऐसे पढ़ा था ना, सिप्रानाइडू, पैंट संभालो, इसमें गुड़िया टाइप दिखती हो, अरे तुम ये भी लो। और एक चीज और याद दिला दूं, आगे काम आएगी आपके, मैंने ये भी सिखाया था कि जब हम इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं तो से उसके बाद गुड एंड एलयू लक, क्या बोला मैंने, से गुड लक। इनमें एक खास बात होती है कि गुड लक इनके डी में एक इलेक्ट्रॉन होता है, क्यों, गुड लक का साइन होता है ये, इट इज गुड लक। और इसमें क्या है, एक इलेक्ट्रॉन, सिंगल इलेक्ट्रॉन, किसमें, डी में, तो डी में एक है। सर ये डी क्यों, क्योंकि पांच ऑर्बिटल है ना बेटा, पांच में एक है, पांच ऑर्बिटल पांच में एक, पांच ऑर्बिटल पांच में एक, तो डी में एक, किस किस में, सीरियम, गैडोलिनियम, ल्यूटेशियम, D1, से गुड लक। याद रखिएगा बड़े काम आएगा भाई आपके क्वेश्चंस में। आगे बढ़ते हैं, व्हाट इज करेक्ट ऑर्डर ऑफ स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट। भैया जिसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे उसका मैग्नेटिक मोमेंट ज्यादा होगा। और हमें पता है बेटा कि यदि हम अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स देखना शुरू करें सभी के, तो कुछ ऐसे आएंगे, Mn+2 है हमारे पास, Chromium+2 है हमारे पास, और Vanadium+2 है हमारे पास, ये तीन है। तो Mn+2 का कॉन्फिग्रेशन लिखेंगे तो क्या होता है बेटा, D5S0, 3D5S0। Chromium+2 का लिखोगे तो क्या होता है, Chromium+2 क्या होता है बेटा, 3D4S0, क्योंकि होता है S1D5, दो इलेक्ट्रॉन निकाल दिए तो S1 चला गया, D5 से एक D4 बचा। वेनेडियम आइए क्या होता है, D3S0। तो बताइए इसमें कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, मैग्नीज में 5 अनपेयर्ड, इसमें 4 अनपेयर्ड, इसमें 3 अनपेयर्ड। जितने ज्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन उतना ज्यादा मैग्नेटिक कैरेक्टर। तो आपका आंसर हो गया तीसरा, सबसे ज्यादा Mn+2, फिर क्रोमियम, देन वेनेडियम। आगे बढ़ते हैं बेटा, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4, ये रहा आपके सामने आपकी मोबाइल स्क्रीन पर। आइए आगे बढ़ते हैं इन क्वेश्चंस। कह रहा है सक्सेसिव मेंबर्स ऑफ फर्स्ट सीरीज ऑफ ट्रांजिशन मेटल्स आर लिस्टेड बिलो, फॉर विच वन ऑफ देम स्टैंडर्ड पोटेंशियल, यानी आपको इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बोला है पॉजिटिव साइन के साथ। ऐसे ही याद रखिए, हाइड्रोजन के ऊपर सब निगेटिव होते हैं, हाइड्रोजन के नीचे सब पॉजिटिव होते हैं, और हाइड्रोजन के नीचे केवल कौन होता है, कॉपर। क्यों, मरकरी आज प्रीति गोल है, क्यों मरकरी आज प्रीति गोल है। ये सारे के सारे मेटल्स हमेशा हर ऑक्सीडेशन स्टेट में हाइड्रोजन के नीचे है बेटा। जो हाइड्रोजन के नीचे होगा उसका SEP वैल्यू हमेशा कैसी होगी, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पॉजिटिव होगा। जो हाइड्रोजन के ऊपर है इनके अलावा उन सबके निगेटिव। तो आयरन, निकिल, कोबाल्ट सब ऊपर है बेटा, याद करिए। आपने ऐसे पढ़ी इलेक्ट्रोकेमिकल्स, लिक, बेसर का, नमक, अलमन, जन, क्रोफी, कडकोनी, सनलें, हाय क्यों मरकरी आज प्रीति गोल है। तो ऊपर वालों के सबके निगेटिव होंगे, केवल कॉपर हाइड्रोजन के नीचे है, इसकी वैल्यू कैसी होगी, पॉजिटिव साइन के साथ। आगे आ जाइए,
विच ऑफ द ट्रांजिशन विच ग्रुप कंटेन्स कलर्ड आयंस। आइए बॉस, बड़ा आसान सा सवाल है, एक ट्रिक सीखी थी हमने इसकी, फिर से याद दिलाता हूं, हमने ट्रिक सीखी थी बेटा, ट्रिक थी कूजन इस्केटिव, इट इज द ट्रिक। और एक एक करके चार्ज बढ़ाते जाइए, प्लस वन प्लस टू प्लस थ्री प्लस फोर प्लस फाइव, ये हमेशा होते हैं कलरलेस एंड डायमैग्नेटिक इन नेचर, और इनके नीचे जितने भी कॉपर के नीचे सिल्वर गोल्ड जिंक के नीचे कैडमियम मरकरी वो सब इसी में आ जाते हैं। तो याद रखिएगा कुजन्स कैटिव ये कलरलेस है, आपसे पूछा है कलर्ड आयंस कौन कौन से हैं, तो जिंक तो बिल्कुल नहीं होगा बेटा, ये कलरलेस होता है, टाइटेनियम प्लस फोर के साथ ये भी कलरलेस होता है, ये भी नहीं होगा, कोबाल्ट को देखिए कोबाल्ट कलरलेस कलर्ड होगा बिल्कुल ठीक है, एन आई प्लस टू भी कलर्ड होगा, यानी आपके सी एंड डी आर कलर्ड, केवल सी और डी कलर्ड होंगे बाकी कलर्ड नहीं। क्लियर है बेटा, कुजन्स कैटिव कूजन इस्केटिव, याद रखिए कलरलेस पैरामैग्नेटिक, प्लस वन प्लस टू प्लस थ्री प्लस फोर प्लस फाइव चार, इनमें हमेशा याद रखेंगे इलेक्ट्रॉन्स अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जीरो होते हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर पांच, क्वेश्चन नंबर छह आपकी स्क्रीन पर आपके सामने ही रहा। कहते हैं अमोनियम डाइक्रोमेट इज यूज इन फायरवर्क्स व्हेन इट डिकम्पोजेस ऑल द फॉलोइंग आर करेक्ट एस्पेक्ट। कहते हैं ये सारे सही है, बताइए एक को छोड़कर कौन सा गलत है। तो उसके लिए काम कर लेते हैं, अमोनियम डाइक्रोमेट को गर्म करें, जरा देखिए क्या बनता है। तो ये है अमोनियम डाइक्रोमेट होल ट्वाइस CrO4 CR2O7। जब बेटा हम इसे गर्म करते हैं याद करिए वॉल्केनो रिएक्शन, तो क्या बनती है नाइट्रोजन गैस बनती है, प्लस क्या बनता है ग्रीन कलर का CR2O3 बनता है, प्लस क्या बनता है 4H2O बनता है, ये हमारी रिएक्शन। तो कहते हैं द गैस इवॉल्व इज N2, इन N2 नहीं इज N2 है, बिल्कुल ठीक है, ये तो करेक्ट है भाई। ग्रीन कलर पाउडर ये भी सही है, CR2O3 ग्रीन कलर का बनता है। द रिएक्शन इज कॉल्ड वॉल्केनो रिएक्शन, ये भी सही है। द गैस इवॉल्व इज O2, O2 नहीं निकलती है देखिए कहीं पर भी, उसने पूछा रॉन्ग कौन सा है, तो ये रॉन्ग है, यानी आपका आंसर हो गया है चौथा, ऑक्सीजन दूर दूर तक कहीं पर भी नहीं निकलती। अब यहाँ पे आइए देखिए एटॉमिक नंबर दिए हैं, थोड़ा सा ज्यादा हो गया, एटॉमिक नंबर दिए हैं ठीक है, और इनके कॉन्फ़िगरेशन पूछा, इसको तो करना बड़ा आसान था, ध्यान से देखो किसका पूछा है, यूरोपियम है, ये जीडी है भैया, जी नहीं है जीडी, गैडोलिनियम होता है 64, गैडोलिनियम है एंड टर्बियम टीबी है, तीन है। तो जीडी में हमें पता है केवल इसी में भी पता था से गुड लक, केवल इसमें D1 होगा बाकी किसी में D1 नहीं होगा, तो पहला यूरोपियम में D1 नहीं होगा ये गलत है, यूरोपियम में D1 नहीं होगा ये सही हो सकता है, यूरोपियम में D1 ये भी सही हो सकता है। अब देख लेते थोड़ा सा आगे, तो D1 होना चाहिए, D1 होना चाहिए, D1 होना चाहिए बीच वाले में केवल गैडोलिनियम में, यस गैडोलिनियम में देखिए D1 है बाकी में D1 नहीं है, तो गैडोलिनियम में यानी सेकंड वाले में D1 होना चाहिए, तो यहाँ सेकंड वाले में D1 है, यहाँ सेकंड वाले में D1 नहीं है, और यहाँ सेकंड वाले में D1 है, पर यह फर्स्ट वाले में भी D1 है, फर्स्ट वाले में D1 नहीं होना चाहिए। तो सिंपल सा तरीका कि इसमें D1 नहीं होना चाहिए, इसमें D1 होना चाहिए, इसमें D1 नहीं होना चाहिए, तो पहले में नहीं होना चाहिए, दूसरे में होना चाहिए, तीसरे में नहीं होना चाहिए, पहले में नहीं होना चाहिए पर यहाँ है इसलिए गलत हो गया, दूसरे में होना चाहिए, तीसरे में नहीं होना चाहिए, तो ऊपर का गलत हो गया, देखो पहले में नहीं होना चाहिए नहीं है, दूसरे में होना चाहिए नहीं है, तो इसलिए गलत हो गया, पहले में नहीं होना चाहिए है इसलिए गलत हो गया, तो आंसर हो गया सेकेंड, से गुड लक। गैडोलिनियम सीरियम ल्यूटेशियम तीनों में एक इलेक्ट्रॉन डी में जरूर होना चाहिए बेटा। आगे बढ़ जाते क्वेश्चन नंबर सात, क्वेश्चन नंबर आठ ये रहे, करें विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ट्रांजिशन मेटल्स इज एसोसिएटेड विद हायर कैटेलिटिक एक्टिविटी। कहते हैं ये इतने अच्छे कैटेलिस्ट क्यों हैं, क्योंकि इनकी सरफेस पर ढेर सारी फ्री वैलेंसी होती हैं, ढेर सारी वेरिएबल इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट्स होती हैं, इसी के कारण ये कैटेलिटिक एक्टिविटी शो करते हैं। तो हाई एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन बिल्कुल गलत है बेटा, पैरामैग्नेटिक बिहेवियर ये भी गलत है, केमिकल रिएक्टिव नहीं, वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट, या कहना चाहिए कि ढेर सारी वैलेंसीज या ऑक्सीडेशन स्टेट्स हैं इसकी। कहते हैं MnO2, जब भी बेटा बेसिक मीडियम में MnO2 को डालते हैं, बेसिक मीडियम में हमेशा याद रखिए यदि आपने बेसिक मीडियम यूज़ किया है तो ये हमेशा बनाता है पोटेशियम मैग्नेट K2MnO4, किस कलर का ग्रीन कलर का, किस कलर का ग्रीन कलर का, तो आंसर होता है पर्पल ग्रीन K2MnO4, और इसी K2MnO4 को कहीं गलती से आपने एसिड में डाल दिया तो यही कन्वर्ट हो जाता है KMnO4 में, किस कलर के पर्पल पिंक कलर के KMnO4 में, तो ये ग्रीन कलर का है जबकि ये पिंक कलर या पर्पल कलर का हो जाता है। क्लियर है,
आसान सा है। आगे बढ़ जाते हैं बेटा, क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 10, ये रहा आपकी मोबाइल स्क्रीन पर। कहते हैं बिकॉज ऑफ लेंथेनाइट कॉन्ट्रेक्शन हैव नी, तो ऐसे याद है आपको जिरकोनियम एंड हाफनियम कैसे देखते हैं ये बता देता हूँ। देखो आइए ऐसे करते हैं बेटा, ये आपकी कौन सी सीरीज है 4D, ये कौन सी सीरीज है 5D, तो ऐसे था न, ये जरूरी नहीं मोहब्बत तेरी रुलाती रहे पहले अगर कोई दोस्त, ऐसी था ना, लाया हो तेरे वास्ते, यहाँ पे आ जाते लाया हो तेरे वास्ते रहमते, तो इनकी रेडियस सेम होती है लेंथेनाइट कॉन्ट्रेक्शन के कारण। अब देखिए इनमें कौन कौन से दिए भैया, तो जिरकोनियम हाफनियम बिल्कुल सेम होती है, जिरकोनियम NTA बिल्कुल नहीं होती, गलत है बेटा, टाइटेनियम तो यहाँ कहीं दूर दूर तक है ही नहीं, जिरकोनियम एंड NB, ZR के साथ NB भी यहाँ पर नहीं है, तो आंसर कौन सा हो गया, पहला, फर्स्ट इज द आंसर। रीजन ऑफ लेंथेनाइट कॉन्ट्रेक्शन सबको पता है, क्या बताना, पुअर शील्डिंग इफेक्ट ऑफ F ऑर्बिटल्स या F इलेक्ट्रॉन, फूहड़, इनका कोई स्क्रीनिंग इफेक्ट नहीं होता, जिसके कारण न्यूक्लियस का अट्रैक्शन वैलेंस इलेक्ट्रॉन पर बढ़ जाता है और वो करीब आ जाते हैं, क्योंकि न्यूक्लियस में इलेक्ट्रॉन बहुत सारे बढ़ते हैं और यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन है 4F वाले वो इन लाइन को रोक नहीं पाते, तो ये अट्रैक्शन यहाँ तक ज़्यादा पहुँच जाता है जिससे ये शेल्स पास आने शुरू हो जाते हैं और साइज छोटा हो जाता है। तो लेंथेनाइट कॉन्ट्रेक्शन का मेन रीजन होता है बेटा पुअर शील्डिंग इफेक्ट ऑफ डी ऑर्बिटल्स। आगे आ जाइए, द कलर ऑफ केमेनोफोर इज ड्यू टू, क्यों होता है केमेनोफोर में, मैंने आपको बताया था बेटा कि यहाँ +7 है और कॉन्फ़िगरेशन D0 है, यानी यहाँ D2D ट्रांजिशन तो बिल्कुल नहीं होता, तो कोई ट्रांजिशन पॉसिबल नहीं है, बचा क्या, लिगेंड टू मेटल और मेटल टू लिगेंड, तो यहाँ ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज है, MN हाईली इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, तो ये लिगेंड ऑक्सीजन अपने इलेक्ट्रॉन किसे देगा, MN को, यानी लिगेंड टू मेटल चार्ज ट्रांसफर होता है और इस चार्ज ट्रांसफर के कारण ही इसमें पाया जाता है पर्पल कलर। आगे आ जाइए, विच ऑफ द फॉलोइंग लेंथेनाइट शो पॉजिटिव टू ऑक्सीडेशन स्टेट बिसाइड्स द कैरेक्टरिस्टिक, अब सुनिएगा इस पॉइंट, कहते हैं जितने भी लेंथेनाइट्स होते हैं बेटा उन सभी लेंथेनाइट्स में +3 ऑक्सीडेशन स्टेट तो कॉमन है, चाहे वो लेंथेनाइट हो चाहे वो एक्टिनाइट्स, +3 कॉमन होती है लेंथेनाइट्स में, पक्का। अब आगे बढ़ जाइए, पर कुछ ऐसे होते हैं जो +4 और +2 भी शो करते हैं, पहले +4 की बात कर लीजिए, ऐसे याद किया था आपने सिप्रा TV नहीं देखो, शिप्रा टीवी नहीं देखो, नहीं तो आंखें 4 हो जाएंगी, +4 होता था बचपन में, टीवी देखते थे तो चश्मा लग जाता था, चश्मा लगता था तो कहते थे ना आंखें 4 हो गई, 4 आंखें लगा फिर भी दिखाई नहीं देता, लोग कहते थे, तो बोले ये सिप्रा टीवी नहीं देखो, टीवी देखोगी तो चश्मा लग जाएगा, आंखें 4 हो जाएंगी, यानी इन केस में ऑक्सीडेशन स्टेट +4 पॉसिबल होती है। और फिर आपने ये कहा था ये भी इलू समझाएं, तो 2-1 मिला के 2 यानी +2, इन केस में ऑक्सीडेशन स्टेट +2 भी होती है, ये भी इलू समझाएं, तो 2 मतलब 2, तो 2 इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट होती है, ढूंढ लीजिए कौन सा होगा, देखिए EU यस, YB यस, इसके अलावा समेरियम भी होता है बेटा, यदि SM दिया होता उसकी भी +2 ऑक्सीडेशन स्टेट होती है, तो इनकी +3 के साथ +4 होती हैं, इनकी +3 के साथ +2 होती हैं, यदि इनकी +2 हैं तो इनको आप +3 में ले जा सकते हैं, ऑक्सीडेशन हो सकता है, जिनका ऑक्सीडेशन होता है वो रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं, तो ये अच्छे रिड्यूसिंग एजेंट का काम करते हैं, ये +4 से +3 में जा सकती हैं, कॉमन +3 है बेटा, इनका रिडक्शन हो जाएगा और जिनका रिडक्शन होता है वो अच्छे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं, तो ये सब +4 ऑक्सीडेशन स्टेट में ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हैं, ये सब +2 में अच्छे रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 एंड 14, कहते हैं मैग्नेटिक मोमेंट इज 1 पॉइंट, यदि ये मैग्नेटिक मोमेंट है तो याद रखिए बेटा दशमलव के पहले जो भी वैल्यू मैग्नेटिक मोमेंट की होती है वही अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अब देखिए क्रोमियम +2 में अभी मैंने आपको बताया था 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो ये आंसर तो आपका नहीं होगा, कोबाल्ट +2 निकिल +2 सबको चेक करना पड़ेगा बेटा, तो TI देखिए क्या था, साइंस टीचर इसका कॉन्फिगरेशन क्या है, हीलियम नियॉन आर्गन 18, ठीक है 22 है एटॉमिक नंबर, तो कितना होता है 3D2 4S2, अब कितना चार्ज चाहिए +3 लगाने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से गए 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ से गया तो बचा 3D1, यानी 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन किसमें आएगा बेटा TI टाइटेनियम +3 में, जिसमें 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आएगा उसी का मैग्नेटिक मोमेंट 1 पॉइंट। अब यदि वो बोल देता कि मैग्नेटिक मोमेंट 4.9 है तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बेटा कितने हो जाते 4 किसमें आ जाते क्रोमियम में, समझ में आया ना,
तो जो भी ये वैल्यू लिखी है, याद रखिएगा जो भी वैल्यू लिखी है, कोई भी ए दशमलव बी सी, तो ये जो ए है यही नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं हमेशा। क्वेश्चन नंबर 14 में आइए, देखिए जैसे भी मैंने मैग्नेट के लिए कहा था, इसके लिए समझ लीजिए पीएच ए है और डाइक्रोमेट बन रहा है, मैं सीधे सीधे आपको ऐसे ही बना देता हूं। ओ एक है सी आर ओ फोर माइनस माइनस और एक है सी आर टू ओ सेवन डबल माइनस। यदि आप क्रोमेट को एसिड में डाल दें तो डाइक्रोमेट बन जाता है और बेस में क्रोमेट स्टेबलाइज हो जाता है। इसका मतलब ऊपर जो पीएच होगी वो 7 से कम होगी एसिड की, नीचे जो पीएच होगी वो 7 से ज्यादा होगी। अब वो ये कह रहा है कि पीएच ए पर ये बन रहा है तो ए कैसी हो गई एसिडिक यानी 7 से कम, और बी पर ये बन रहा है तो बी कैसी हो गई 7 से ज्यादा। तो पहली वैल्यू 7 से कम, दूसरी वैल्यू 7 से ज्यादा होनी चाहिए, क्योंकि ये होगा बेसिक मीडियम में बेटा और ये बनेगा एसिडिक मीडियम में। तो आंसर हो गया 4 and 8। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 16 ये रहा आपके सामने स्क्रीन पर। द बाईवेलेंट मेटल हैविंग मैक्सिमम पैरामैग्नेटिक, तो आंसर ऐसे ही याद हो गया होगा, अभी थोड़ी देर पहले ही लिख के बताया था। Mn+2 में मैक्सिमम अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है कितने 5, जितने ज्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे उतना ज्यादा पैरामैग्नेटिक। Cu+2 में निकालेंगे एक अनपेयर्ड आएगा, Cu+ में निकालेंगे एक भी नहीं आएगा, जितने ज्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन उतना ज्यादा मैग्नेटिक कैरेक्टर। क्वेश्चन नंबर 16 पर आइए, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ लेंथेन, बड़ा आसान है बेटा, लेंथेनम के हाइड्रोक्साइड से चलना शुरू करिए, LuOH का होल थ्राइस। हमेशा याद रखिए बेसिक स्ट्रेंथ घटती है, तो सबसे ज्यादा किसकी हो जाएगी फर्स्ट यानी लेंथेनम की, लेंथेनम के बाद किसकी हो जाएगी PR की, उसके बाद किसकी हो जाएगी LU की, यानी सबसे ज्यादा हो जाएगी पहले की, फिर हो जाएगी तीसरे की और फिर होगी दूसरे की, आंसर होगा फर्स्ट। लेंथेनम से ल्यूटेशियम तक हाइड्रोक्साइड्स में बेसिक स्ट्रेंथ घटती है, यानी सबसे बेसिक ये होता है, रीजन होता है साइज, क्योंकि जितना बड़ा होता है OH को तोड़ना उतना आसान होता है, OH देने की कैपेसिटी उतनी ज्यादा होती है, इतना ज्यादा इलेक्ट्रो पॉजिटिव होता है उतना बेसिक कैरेक्टर ज्यादा, सारे पॉइंट्स आपको पता है। आगे बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 17-18 ये रहे, कहते हैं ट्रांजिशन मेटल शोज वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट, क्यों? सिंपल सा रीजन है बेटा, वेरिएबल वैलेंसी और वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट इसलिए होती थी क्योंकि जो N-1d है और जो NS है इन दोनों में एनर्जी का डिफरेंस बहुत कम है, तो इसके इलेक्ट्रॉन के साथ साथ इसके इलेक्ट्रॉन भी बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट करते थे। तो कहते हैं पार्टिसिपेशन ऑफ ND इलेक्ट्रॉन, नहीं बेटा पार्टिसिपेशन ऑफ N-1d, यानी N-1d और NS दोनों ही पार्टिसिपेट करने लगते हैं, इसी के कारण से वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। यहाँ पे आ जाइए, हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मैग्नीज इन फ्लोराइड में 4 होती है, MnF4 बनता है, पर ऑक्सीजन के साथ वो कह रहा है कि +7 तक हो सकती है, ऐसा क्यों? सिंपल सा रीजन ये है बेटा कि जब आप Mn को ऑक्सीजन के साथ जोड़ते हैं तो ये बनाता है ऑक्सीजन के साथ मल्टीपल बॉन्ड्स यानी डबल बॉन्ड्स, ऐसे करके ये बॉन्डिंग होती है बेटा, और जो डबल बॉन्ड होता है इट इज स्ट्रॉन्गर देन सिंगल बॉन्ड, तो फ्लोरीन के साथ इसके सिंगल बॉन्ड्स बनते हैं, तो फ्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, नहीं बेटा फ्लोरीन डज नॉट पजेस वैकेंट, बेकार है फ्लोरीन, स्टेबलाइज नहीं, इन कोवेलेंट कंपाउंड फ्लोरीन केवल सिंगल बॉन्ड बनाता है लेकिन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड बनाता है, जब दो बॉन्ड बनेंगे तो ज्यादा स्टेबल बॉन्ड बनेंगे, ज्यादा स्ट्रांग बॉन्ड होंगे। याद रखिए ये एक मार्कर है, ये दो मार्कर है, इन्हें तोड़ना मुश्किल है, एक को तोड़ना आसान है, हमेशा याद रखिए। वो एक लकड़ी वाली कहानी थी ना, एक किसान के 4 लड़के थे, लड़ते थे, 4 लकड़ियां मंगाई वगैरह, याद आ गया। तो दो बॉन्ड्स हमेशा स्ट्रांग होते हैं, उन्हें तोड़ना मुश्किल है, इसलिए उनकी स्टेबिलिटी ज्यादा है। विच ऑफ द फॉलोइंग एलॉयज कंटेन्स कॉपर एंड जिंक, याद करिए हमने ट्रिक पढ़ी थी बेटा एलॉयज के लिए, याद है कुछ? चलिए एक मिनट पे ट्रिक से मिलाता हूं, उससे पहले क्वेश्चन नंबर 20 करना चाहूंगा, इन्हें मैच करना है क्योंकि। चलिए पहला TiCl4 क्या है? Ziegler Natta Catalyst यानी सेकंड। PdCl2 वॉकर मेथड में यूज होता है। CuCl2 डीकन प्रोसेस में यूज है, वेनेडियम पेंटॉक्साइड कॉन्टैक्ट प्रोसेस में, यानी ए का होना चाहिए, ए यानी TiCl4 के सेकंड, तो ए का सेकंड होना चाहिए, ए का सेकंड यहाँ है बस और कहीं है भी नहीं, तो ए अच्छा पूरा नीचे तक आ रहा है, ए का सेकंड यहाँ है और ए का सेकंड यहाँ, दो पॉसिबिलिटी हो गई ठीक है। अब ए का तो सेकंड होगा, बी का क्या होना चाहिए? फर्स्ट, तो बी का फर्स्ट होना चाहिए, बी का फर्स्ट फर्स्ट यहाँ है, तो आंसर हो गया ए। अब मिला ले बेटा, ए का कौन सा है? सेकंड है, बी का कौन सा है? फर्स्ट है, सी का कौन सा है? चौथा है, डी का कौन सा है? थर्ड है, मिला ले, सही आ रहे ना, तो ये हो गया। अब आ जाते हैं यहाँ पर,
चलिए, ब्रास है, ब्रॉन्ज है, करेक्ट, कॉपर किसमें? चलिए याद करिए, हम लोगों ने एक ट्रिक सीखी थी, काहे की याद करने की कि नहीं याद करने की बेटा, वो एलॉयज को याद करने की, क्या ट्रिक थी, किसी को याद है? शायद ट्रिक ऐसे पड़ी थी, देखिए मैं याद दिलाता हूँ आपको, यहीं से लिख रहा हूँ, ब्रास एंड अल्फा, ब्रास लिखा हो या अल्फा लिखा, ब्रास एंड अल्फा कूजन 30, कूजन 30 यानी कॉपर और जिंक, जिंक 30%, ब्रास एंड अल्फा कूजन 30 कहाँ चला गया, ब्रास एंड अल्फा कूजन 30, डच मेटल इज कूजन 20, डच मेटल इज कूजन 20, याद है, ब्रॉन्ज संग कॉपर 88, ब्रॉन्ज संग कॉपर 88, इसमें 88%, एंड बेल मेटल इज 80 दैट, बेल मेटल इज 80 दैट, SN एंड C, या 80%, याद है ना, गन मेटल इज कुसन जीन, गन मेटल इज कुसन जीन, गन मेटल, और कुछ तो नहीं है, चलिए गन मेटल इज कुसन जीन, रेड एलॉय भी इसमें नहीं थी, तो बहुत बड़ी, मैंने छोटी सी लिखी बस, क्या पूरी लिख के दिखाऊं आपको, क्योंकि जगह कम पड़ेगी बेटा, पहले मैं इससे आंसर मिला लूं। अब ये बताइए क्या इसमें ब्रास में कॉपर होता है क्या, चेक कर, ब्रास में कॉपर है तो ब्रास है, ब्रॉन्ज संग कॉपर 88 इसमें भी है, गन मेटल इज कुसन जीन इसमें भी, टाइप मेटल इसमें है ही नहीं, तो टाइप मेटल में होता भी नहीं, आंसर है ABC, चौथा, बाकी मैं आपको पूरी लिख के दिखाता हूँ अभी, टाइप मेटल थी टोपे, सब सुन ले, सब सुन ले इसमें पाया जाता था, एंटीमनी, SN एंड PB, कॉपर इसमें नहीं होता था, कुछ याद आया, हटा दूं, चलिए मैं अलग से लिख के दिखा दूंगा अभी आपको, क्योंकि थोड़ा पेज चाहिए मुझे ज़्यादा लिखने के लिए, ट्रिक लिखने के लिए मुझे पूरा वाइट पेज चाहिए, चलिए मैं यहाँ पे लिख के दिखा देता हूँ इधर से, ठीक है, तो हमने ऐसे पढ़ा था, थोड़ा साफ साफ लिख रहा हूँ, ब्रास एंड अल्फा, ब्रास एंड अल्फा कूजन 30, डच मेटल इज, डच मेटल इज कूजन 20, 20% चिंक, याद है, कहते ब्रास एंड अल्फा कूजन 30, डच मेटल इज कूजन 20, इसके बाद बेटा फिर हमने पढ़ा था जर्मन सिल्वर, जर्मन सिल्वर कूजननी, कू जननी, मोनल मेटल, मोनल मेटल कुफिनी, कुफिनी, ब्रॉन्ज संग कॉपर, ब्रॉन्ज में संग यानी SN कॉपर 88, बेल मेटल इज 80 दैट, बेल मेटल इज 80 दैट यानी SN प्लस यू ही है, और बेटा यहाँ पर जो कॉपर है वो कितना है 80, ठीक है, गन मेटल इज कुसन जीन, गन मेटल इज कुसन जीन, ऐसे करके रेड एलॉय भी इसमें लीन, यही रेड एलॉय थे, अभी भी जगह कम पड़ गई, चल जितने आ गए उतने मैंने लिख दिए, ब्रास एंड अल्फा कूजन 30, डच मेटल इज कूजन 20, जर्मन सिल्वर कूजननी, मोनल मेटल कुफिनी, ब्रॉन्ज संग कॉपर 88, बेल मेटल इज 80 दैट या 80% लिखा है बेटा, गन मेटल है कुसन जीन, रेड एलॉय भी इसमें ली, तो किसमें कॉपर है आपको सब नजर आ रहा है, ठीक है, चलिए तो ये थे 20 क्वेश्चंस किसके, डी ब्लॉक एंड एफ ब्लॉक के, क्लास 12th का ही अगला टॉपिक आता है, इट इज सरफेस केमिस्ट्री, सरफेस केमिस्ट्री के 21 क्वेश्चंस हमारी स्क्रीन पर आने वाले हैं, ये रहे पहला और दूसरा क्वेश्चन आपके सामने आपके स्क्रीन पर, द कॉगुलेशन वैल्यू इन मिलीमोल्स पर लीटर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स आपको बेटा दी गई हैं, पूछ रहा है कॉगुलेटिंग पावर का ऑर्डर क्या होगा, याद करिए मैंने आपको पढ़ाया था कि जो कॉगुलेटिंग पावर होती है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है कॉगुलेशन वैल्यू के लिए,
क्योंकि जिसकी पावर ज्यादा है वो थोड़ा सा डालना पड़ेगा बेटा, उसकी वैल्यू हमेशा कम होगी, कोगुलेशन वैल्यू। तो जिसकी कोगुलेशन वैल्यू सबसे कम है, सबसे कम किसकी है? थर्ड वाले की। फिर किसकी है? सेकंड वाले की। सबसे ज्यादा किसकी है? फर्स्ट वाले की। तो थर्ड वाले की पावर सबसे ज्यादा होगी बेटा। हमेशा याद रखिए, जिसकी कोगुलेटिंग वैल्यू कम है उसकी कोगुलेशन पावर सबसे ज्यादा। तो सबसे ज्यादा थर्ड, फिर सेकंड, और सबसे कम फर्स्ट। क्लियर? आगे आते हैं टिंडल इफेक्ट। याद है लाइट डालते थे, कैसी प्रॉपर्टी है? ऑप्टिकल। इलेक्ट्रोफोरेसिस कैसी प्रॉपर्टी है? इलेक्ट्रिकल, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते थे इलेक्ट्रोफोरेसिस में। तो हमारे जो पार्टिकल होते थे, चार्ज पार्टिकल्स कोलाइडर, वो रेस्पेक्टिव इलेक्ट्रोड कैथोड या एनोड की तरफ मूव करते थे और वहां जाके डिस्चार्ज होके कोगुलेट हो जाते थे। क्वेश्चन नंबर थर्ड, विच ऑफ वन ऑफ फॉलोइंग रिक्वायर्ड मिनिमम क्वांटिटी फॉर द कोगुलेशन ऑफ फेरिक हाइड्रोक्साइड। देखिए मेटल हाइड्रोक्साइड बेटा कैसे होते हैं, याद करिए, पॉजिटिव सोल होते हैं ऐसे करके। यदि ये पॉजिटिव सोल है, कैसा सोल है? पॉजिटिव। तो इसके लिए एनायन देखेंगे हार्डी शुलजे रूल से। एनायन देखिए, क्लोराइड पे -1 होता है, क्रोमेट पे -2 होता है, या FeCN पूरे का माइनस पे -3 हो जाएगा बेटा, K3 हटाओगे, या -4 हो जाएगा। तो पॉजिटिव कोलाइड के लिए नेगेटिव आयन कोगुलेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो याद रखिए बेटा, जितना मैग्नीट्यूड ऑफ नेगेटिव चार्ज ज़्यादा होगा उतनी कोगुलेटिंग पावर हाई होगी, उतनी कोगुलेटिंग वैल्यू कम होगी। पर कोगुलेशन पावर पूछ रहा है बेटा, जिसकी क्वांटिटी सबसे कम खर्च हो, जिसकी कोगुलेटिंग पावर ज़्यादा हो, वो कौन सा होगा? चौथा, क्योंकि यहाँ नेगेटिव चार्ज का मैग्नीट्यूड सबसे हाई। कहते हैं इन पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री अल्कोहल्स कन्वर्टेड इनटू गैसोलीन। ये तो पता है आपको बेटा कैसे कर, JSM5 जियोलाइट ऑफ मॉलिक्यूलर C5, ये हम लोगों ने पढ़ा था शेप सिलेक्टिव कैटेलिस्ट में। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ट्रू सोल्यूशन। देखिए ब्लड इज नॉट अ ट्रू सोल्यूशन, क्योंकि ब्लड एक कोलाइडल सोल्यूशन होता है बेटा, और जो कोलाइडल सोल्यूशन होते हैं वो ट्रू नहीं होते। लेकिन एयर एक ट्रू सोल्यूशन है, गैसेज मिली है, वाइन एल्कोहल को पानी में मिला दीजिए, ट्रू सोल्यूशन होता है, पता भी नहीं चलता। गैसोलीन इज अ मिक्सचर, ट्रू सोल्यूशन होती है बेटा गैसोलीन में। यहाँ पर आ जाइए, इन विच ऑफ द फॉलोइंग, गैसोलीन यानी पेट्रोल कह सकते हैं, तो पेट्रोल इज अ ट्रू सोल्यूशन। इन विच ऑफ द फॉलोइंग द डिस्पर्स्ड फेस इज अ लिक्विड। ये तो आसान सा, क्लाउड। क्लाउड में डिस्पर्स फेस क्या होता है? लिक्विड होता है। चारों तरफ डस्ट पार्टिकल्स इकट्ठे हो जाते हैं तो क्या बन जाता है? क्लाउड जैसा बन जाता है। तो क्लाउड में जो डिस्पर्स्ड फेस है बेटा वो क्या? लिक्विड। इसीलिए बादल पे हाथ मारो, कभी कभी चार्ज भी होते हैं बादल, बादल पे हाथ मारो बेटा तो हाथ गीला हो जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर इसी पे आना है ना, 7 और 8 पर। कांच छूट तो नहीं गया गलती से कोई क्वेश्चन? नहीं, ठीक है। फॉग इज अ कोलाइडल सोल्यूशन, ये भी आसान सा है। फॉग में भी क्या होता है बेटा? लिक्विड डिस्पर्स होता है एयर में, तो लिक्विड डिस्पर्स इन एयर, लिक्विड डिस्पर्स इन गैस। द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ लेड नाइट्रेट नीडेड टू कोगुलेट 2 moles ऑफ, देखिए आइए इसको देखते हैं। हमारे पास ये AgI का एक नेगेटिव सोल है, नेगेटिव पार्टिकल है भाई, मैं माइनस चार्ज यहाँ दिखा देता हूँ, ठीक है। और इस पर आप डाल रहे हैं PbNO3 का होल ट्वाइस, यानी लेड नाइट्रेट +2। इसके मैंने कितने मोल्स लिए? 2 moles। तो यह चार्ज -2 हो गया, तो -2 के लिए कितना चाहिए? +2। क्या इसे न्यूट्रल करके कोगुलेट कर देगा? यस सर। तो पीवी पर +2 है, तो इसका कितना रिक्वायर्ड हो गया? 1 mole, क्योंकि 1 mole में +2 है, तो ये +2 इस तो क्या कर देगा? न्यूट्रलाइज कर देगा और कोगुलेशन कराने में मदद करेगा। यानी PbNO3 के कितने मोल लगेंगे? केवल 1 mole लगेगा, क्योंकि +2 -2 को क्या कर देगा? न्यूट्रल। -2 ऐसे बेटा है तो -1, पर इसके 2 moles हैं देखो, ठीक है। नंबर ऑफ मोल इसके 2 mole ऑफ कोलाइडर AgI के, ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 10। विच ऑफ द फॉलोइंग विल शो टिंडल इफेक्ट जो कोलाइड हो? एक्वस सोल्यूशन ऑफ सो बिलो CMC, बिल्कुल नहीं बेटा, CMC के बिलो तो ये ट्रू इलेक्ट्रोलाइट, ट्रू सोल्यूशन जैसा बन जाता है। एक्वस सोल्यूशन ऑफ सोप एबव CMC, जी हाँ, एसोसिएशन हो जाता है क्रिटिकल मिशेल कंसेंट्रेशन के ऊपर, ठीक, यहीं पे आके आपका क्या बन जाता है? कोलाइड बन जाता है। आगे आ जाइए क्वेश्चन नंबर 10,
विच ऑफ द फॉलोइंग गैसेस एड्सॉर्ब इजिली टू मोर एक्सटेंट ऑन एक्टिवेटेड चारकोल, जबकि आपको टीसी दिया है, ये टीई नहीं है, टीसी दिया है, क्रिटिकल टेम्परेचर। तो याद रखिए क्रिटिकल टेम्परेचर जितना ज्यादा होगा, आपने कहा था ना बेटा एडजॉर्प्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टीसी, क्रिटिकल टेम्परेचर जिसका सबसे ज्यादा होगा उसका एडजॉर्प्शन सबसे आसान होगा, तो SO2 सबसे आसानी से एड्जॉर्ब होगा। मैंने एक ट्रिक पढ़ाई थी, सुनो कल अम्मा को एसिडिटी हो गई तो मेथी को और नहीं दिया, याद आया? चलिए आगे बढ़ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 12। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट फॉर द स्पॉन्टेनियस एड्सॉर्प्शन, भैया स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है तो डेल्टा जी नेगेटिव होना चाहिए, और डेल्टा जी बराबर होता है डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। और मुझे पता है बेटा कि जो एंट्रोपी है वो घटती है यानी नेगेटिव होती है क्योंकि डिसऑर्डर कम होता है, तो इसका मतलब यदि ये वैल्यू तुम्हें नेगेटिव चाहिए तो डेल्टा एच की वैल्यू ज़्यादा नेगेटिव होनी चाहिए, क्योंकि ये नेगेटिव तो पॉजिटिव हो जाएगा, तो डेल्टा जी स्पॉन्टेनियस के लिए नेगेटिव चाहिए, तो डेल्टा एच बहुत ज़्यादा नेगेटिव होना चाहिए, तो डेल्टा एस इज नेगेटिव, देयरफॉर डेल्टा एच शुड बी हाईली नेगेटिव होना चाहिए, गलत है भाई, डेल्टा एस नेगेटिव एंड देयरफॉर डेल्टा एच शुड बी हाईली नेगेटिव, बिल्कुल ठीक बात है, ये जितना ज़्यादा नेगेटिव होगा तभी डेल्टा जी नेगेटिव आएगा, जब डेल्टा जी नेगेटिव आएगा तभी बेटा आपकी प्रोसेस स्पॉन्टेनियस। Which of the following is incorrect statement? Heat of adsorption, physiorption के लिए कह रहा है कि कितनी होती है 20 से 40, बिल्कुल ठीक है, और chemisorption के लिए कितनी होती है 60 से और कितने भी आगे ले जाइए, तो सही लिखा है almost। Physiorption is reversible and chemisorption is irreversible, बिल्कुल ठीक है बेटा, physical adsorption में molecule आता है जाता है आता है जाता है, chemical में bond बना के रुक जाता है, तो वो irreversible होती है। फिजियोप्शन फॉर्म्स यूनिमोलिकुलर, नहीं नहीं फिजियोप्शन तो मल्टीलेयरिकल होता है तो यूनिमोलिकुलर नहीं होता बेटा, पर केमिसॉर्प्शन यूनिमोलिकुलर या यूनिलेयरिकल होता है, तो ये गलत है आपका, फिजियोप्शन यूनिमोलिकुलर लेयर बनाता है बिल्कुल नहीं, ये मल्टीमोलिकुलर लेयर्स बना सकता है, जबकि केमिसॉर्प्शन हमेशा यूनि या मोनोलेयरिकल होता है, तो ये गलत था आपका। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 14। मोस्ट फेवरेबल कंडीशन फॉर वंडरवाल्स एड्सॉर्प्शन, एड्सॉर्प्शन के यानी फिजिकल एड्सॉर्प्शन, जहां उसने नाम दिया ना वंडरवाल्स, इसका मतलब फिजिकल एड्सॉर्प्शन, तो टेम्परेचर कम होना चाहिए प्रेशर ज्यादा होना चाहिए बेटा, तो लो टेम्परेचर हाई प्रेशर। ड्यूरिंग इलेक्ट्रो ऑस्मोसिस, अब देखिए इलेक्ट्रोफोरेसिस नहीं है ये इलेक्ट्रोऑस्मोसिस है, और यदि इलेक्ट्रोऑस्मोसिस है तो क्या होगा, ध्यान से देखिएगा, FeOH का होल थ्राइस एड्सॉर्ब करेगा Fe+3, तो ये आपका बन गया है डिस्पर्जन फेज जो कि पॉजिटिव है, और इसके पड़ोस में यहां डिस्पर्जन मीडियम होगा जिसमें क्लोराइड होंगे, ऐसे करके कहां से आएंगे FeCl3 से, तो ये डिस्पर्जन मीडियम कैसा होगा, ये नेगेटिव होगा, तो डिस्पर्जन मीडियम यदि नेगेटिव है तो किसकी तरफ जाएगा, पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की तरफ, तो ये मूव करेगा पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की तरफ, पॉजिटिव इलेक्ट्रोड कौन होता है एनोड की तरफ, तो इसका मतलब डिस्पर्जन मीडियम के पार्टिकल जाएंगे एनोड की तरफ, तो डिस्पर्जन मीडियम मूव्स टुवर्ड्स एनोड। फिर समझिएगा, आयरन हाइड्रोक्साइड पॉजिटिव सोल है, तो इसका मतलब जो मीडियम आया होगा वो नेगेटिव होगा, इससे भी तो सराउंडेड होगा, सॉल्वेटेड इसी से तो होगा बेटा, तो ये नेगेटिव होगा, तो डिस्पर्जन मीडियम नेगेटिव है तो इलेक्ट्रोऑस्मोसिस में मीडियम जाता है, सॉल्वेंट जाता है, तो सॉल्वेंट जाएगा किसकी तरफ, एनोड की तरफ, क्योंकि एनोड कैसा है पॉजिटिवली चार्ज। क्लियर है बेटा, क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 16 आपके स्क्रीन पर ये रहे। विच माइट हैव लोवेस्ट वैल्यू ऑफ क्रिटिकल माइसेल कंसेंट्रेशन, मैंने आपको बताया था बेटा कि जो CMC की वैल्यू है, सॉरी CMC, वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, लेंथ ऑफ चेन, लेंथ ऑफ चेन जो R होती है उसकी लेंथ, तो जिसमें जितने ज्यादा कार्बन उसकी CMC वैल्यू उतनी कम, तो उसने लोवेस्ट पूछी है, तो ऑक्टा में 8 कार्बन, डेका में 10 कार्बन, हेक्सा में 6 कार्बन, डू डेका में 12 कार्बन, तो जितने ज्यादा कार्बन उतनी लंबी लेंथ ऑफ आर, सीएमसी की वैल्यू उतनी कम, यानी थोड़ी सी कंसंट्रेशन में माइसेल बन जाएंगे, और छोटा होगा बेटा तो ज्यादा कंसंट्रेशन चाहिए होगी माइसेल बनाने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर लायोफिलिक, तो लायोफिलिक मैंने ऑर्गेनिक सभी होते हैं, जिलेटिन लायोफिलिक है, स्टार्च लायोफिलिक, गोल्ड मेटल सोल, ये नेगेटिव होगा, गम अरेबिक लायोफिलिक है, तो तीन होगा बेटा ए बी एंड डी। गोल्ड जितने भी मेटल्स होते हैं, मैंने आपको पढ़ाई थी एक ट्रिक, जितने भी मेटल्स होते हैं वो सब नेगेटिव सोल होते हैं, और जितने भी मेटल्स होते हैं वो सब लायोफोबिक होते हैं, जनरली इनऑर्गेनिक लायोफोबिक होते हैं, ऑर्गेनिक लायोफिलिक होते हैं, और जो लायोफिलिक होते हैं बेटा उन्हीं को हम इस्तेमाल करते हैं किसकी तरह, प्रोटेक्टिव कोलाइड्स की तरह, गोल्ड नंबर से रिलेटेड था। यहां पे आ जाते हैं,
लायोफिलिक सोल्स आर डिफिकल्ट टू बी कॉगुलेट, यानी स्टेबल होते हैं. क्यों? डिस्पर्जन मीडियम की एक लेयर होती है, हाईली सॉल्वेटेड होते हैं. द कोलाइडल पार्टिकल हैव पॉजिटिव चार्ज, बिल्कुल हो सकता है भाई. द कोलाइडल पार्टिकल्स हैव नो चार्ज, हो सकता है. द कोलाइडल पार्टिकल आर सॉल्वेटेड, क्योंकि सॉल्वेटेड होते हैं, इसे चारों तरफ से डिस्पर्जन मीडियम घेर के रखता है, इसीलिए इसका कोगुलेशन आसान नहीं होता. बाकी बिल्कुल पॉजिटिव भी हो सकते हैं, न्यूट्रल भी हो सकते हैं, कैसे भी हो सकते हैं. हालांकि कहा तो ये जाता है यदि लायोफिलिक की जगह लायोफोबिक होते तो ये न्यूट्रल नहीं होते, पर लायोफिलिक है ये न्यूट्रल भी होते हैं, पॉजिटिव भी हो सकते हैं, निगेटिव भी हो सकते हैं. मैच द फॉलोइंग, इनको मिलाना भी है. फिर से एक बार वही क्वेश्चन है. डायलिसिस क्या होता है? प्योरिफिकेशन ऑफ कोलाइड यानी ब्लड का. तो ए का हो गया चौथा, पेप्टाइजेशन, प्रेसिपिटेट को कोलाइड में बदलना. बी का हो गया पहला, तो ए का चौथा बी का पहला, ए का चौथा बी का पहला होना चाहिए, ए का चौथा बी का पहला. ढूंढो भैया ए में चौथा, बस यही आ गया आंसर. ए का चौथा बी का पहला, बस ए में देखो चौथा केवल इस वाले में आंसर. क्लियर? आसान था क्वेश्चन, आगे बढ़ जाते हैं. क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 20. गोल्ड सोल कैसा होता है? लायोफोबिक कोलाइड होता है. गोल्ड सोल इज नॉट, अच्छा कैसा नहीं है गोल्ड? लायोफोबिक होता है, बिल्कुल होता है. निगेटिव, बिल्कुल निगेटिव कोलाइड होता है. मैक्रोमोलिक्यूलर नहीं होता भैया, ये तो मल्टी मॉलिक्यूलर होता है. मैक्रोमोलिक्यूलर तो वो होते हैं बड़े बड़े मॉलिक्यूल होते हैं. ये पढ़ाया था मैंने, AU4 बन गया था, AU6 बन गया था, ऐसे बन गया था. तो मैक्रो तो स्टार्च है, जिलेटिन है, पॉलीमर्स हैं, नायलॉन है, वो मैक्रो थे. क्वेश्चन नंबर 20, द एडिशन ऑफ 1 ml सोल्यूशन ऑफ इतना. इसकी एक ट्रिक होती थी, मैंने एक फॉर्मूला सिखाया था आपको याद हो. क्या ट्रिक होती थी बेटा? गोल्ड नंबर बराबर होता है मिलीग्राम अमाउंट ऑफ प्रोटेक्टिव कोलाइड डिवाइडेड बाई वॉल्यूम ऑफ गोल्ड सोल एंड मल्टीप्लाइड बाई 10. तो बताइए मिलीग्राम ऑफ प्रोटेक्टिव कोलाइड्स, ये है स्टार्च, कितने मिलीग्राम दिया है? 0.25 ग्राम. तो मिलीग्राम में बदलने के लिए 1000 से मल्टीप्लाई कर दिया. डिवाइडेड बाई इंटू 10, ये वाला डिवाइडेड बाई वॉल्यूम ऑफ गोल्ड सोल, बताओ कितना दिया है? 10 ml. तो 10 से 10 कट गया, सॉल्व कर ले कितना आ गया? 250 मिलीग्राम. यही हो गई आपकी गोल्ड नंबर. हो गया आसान था, मिलीग्राम में ही आता है, 250 मिलीग्राम आ गया. कोई डाउट? चलिए आगे बढ़े. लास्ट क्वेश्चन नंबर 21, द एबिलिटी ऑफ कैटेलिस्ट टू डायरेक्ट अ रिएक्शन टू अ पर्टिकुलर प्रोडक्ट के लिए क्या कहलाती है? सिलेक्टिविटी कहलाती है. यानी वो सिलेक्ट करता है कि कौन सी रिएक्शन होगी कौन सी नहीं. हम लोगों ने रिएक्शन पढ़ी थी ना, CO+H2 की निकिल की प्रेजेंस में कुछ बन रहा है, Fe की प्रेजेंस में कुछ बन रहा है, तो अलग अलग प्रोडक्ट बनते थे. तो वो क्या कहलाता है? सिलेक्ट करना, इट इज कॉल्ड सिलेक्टिविटी. तो याद रखिए इसे कहते हैं सिलेक्टिविटी. फिर से याद दिला देता हूँ, कुछ नहीं था ये ऐसे था कि मेरे पास CO+H2 है, मैंने निकिल के साथ गर्म कर दिया तो पता चला क्या बन गया? HCHO बन गया. मैंने इसी को CO+H2 को इसी को मैंने आयरन ऑक्साइड, क्रोमियम ऑक्साइड के साथ, कॉपर के साथ, इनके साथ गर्म कर दिया तो मैथिल एल्कोहल बन गया. तो यहाँ पर ध्यान से देखिए, रिएक्टेंट सेम है, कैटेलिस्ट बदला, प्रोडक्ट बदल गया. तो इसे कहते हैं कैटेलिस्ट की सिलेक्टिविटी. कौन सा प्रोडक्ट बनेगा ये कौन डिसाइड कर रहा है? कैटेलिस्ट डिसाइड कर रहा है. तो इट इज कॉल्ड सिलेक्टिविटी ऑफ कैटेलिस्ट. ये थे 12th के दो चैप्टर. PS7 में फिर से हाजिर होंगे 11th के दो चैप्टर लेकर. कौन कौन से? GOC एंड थर्मोडायनामिक्स. उसके बाद वापस फिर 12th के कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री के साथ कुछ लूंगा, उसे कंप्लीट करेंगे. आज केवल इतना. धन्यवाद, शुक्रिया.